हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? केमिस्ट्री में हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है और आज यूनिट फर्स्ट में हमारा टॉपिक है हुंड्स रूल। ठीक है बच्चे, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसमें बात करने से पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, है ना? इसमें सीखा था ओहबोए प्रिंसिपल में, ओहबोए ने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, पहले हमें वो आना ज़रूरी है। इसे हम तभी समझ सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम ये कर लेंगे, नहीं तो नहीं। पहले आप उसको ज़रूर देख लेना, इसे देखने से पहले। ठीक है बच्चा, तो इसमें देखो जो हमें पता ही है, जैसे हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरने होते हैं, ये हमने एच ले लिया। एच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? ऐसे ही तो फिल होगा। अब हम ले लेंगे हीलियम, हीलियम में कितने होते हैं? टू। तो इसमें एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तो फिल किए थे, तो ये फिल करने हमें आने चाहिए। अब देखो इस रूल में क्या बताया गया, हुंड के रूल में उन्होंने बताया गया कि हम जब ऑर्बिटल में, सब शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उनका भी एक तरीका होता है, उनका भी अपना एक हिसाब होता है। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी कहीं भी किसी भी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन भर देंगे, नहीं, उसी पर ये क्या है, बेस्ड है। तो उन्होंने क्या बताया, जो इनका ये, अगर आपसे कोई सवाल पूछे हुंड्स का जो ये रूल है किस पर बेस्ड है, ये है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो रूल बेस्ड है हुंड्स का, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पर ही बेस्ड है। ठीक है बच्चे, आपको ये बताना है। एक मिनट, आप इधर आओ, इधर देखो। हमें पता ही, हमारी सब शैल, हमें पहले तो ये पता है, ये देखो आप ध्यान से, शैल, शैल में हमारी सब शैल होती है। ठीक है, सब शैल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल। इनमें हमें क्या करने होते हैं, ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते ही आए हैं और ये हमें दिमाग में से निकालनी भी नहीं है, इसे पूरी तरीके से अपने दिमाग में ठूस लो, घुस लो, कैसे भी कर लो, ये हमें मालूम होना चाहिए। जो हमारी सबशेल है वो हमें पता है फोर टाइप्स की होती है, एस पी डी एफ, है ना? तो इसके लिए हमें पता है ऑर्बिटल, ये एक ही तो होगा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे इसमें? टू। sp में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, है ना? और d के लिए फाइव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मैक्सिमम? 10। और f में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 7। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसमें? 14। ठीक है बच्चा, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, ये है। तो अब देखो ये जो हमारा ऑर्बिटल है पहला, ठीक है, इसकी एनर्जी और इनकी एनर्जी पी डी एफ, इनकी एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। बट जो हमारा पी है, पी शैल, देखो आप ध्यान से, पी सब शैल में ये तीन ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, ये जो तीन ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी लेवल क्या होगा? इनका एनर्जी लेवल सेम होगा, इनका इनका तो अलग होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रही? इनका इनका तो अलग होगा, बट ये एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं ये 1 2 3, इनका एनर्जी लेवल सेम होगा। अब इसका 1 2 3 4 5, इन पाँचों का क्या होगा? इन पाँचों का एनर्जी लेवल सेम होगा, और इनका साथ जो 7 दिए हुए हैं, इनका 7 का एनर्जी लेवल सेम होगा, बट इनका आपस में क्या होगा? अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो हम इन ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होती है, वही किसने बताया था? हुंड्स ने अपने रूल में यही बताया था। ठीक है, एक बार स्क्रीन शॉट लो। अब देखो आगे, जो हमारी सबशेल है, सबशेल के एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है वो कैसे होती है, वो इस रूल में बताया कि कैसे करनी होती है। तो हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो
ये वाला लेके देख लेते हैं, ठीक है। इसका पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमने सीख रखा है पहले ही ओबॉय वाले में, ठीक है बच्चा। तो कैसे करेंगे, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, एस एस सेल में आएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, 1s 8 है ना, 1s 2, फिर 2 में आएंगे, 2s 2, 2 2 4 हो गए। अब कितना बचा हमारा, 4 और बचा, क्योंकि 4 कंप्लीट हो गए, 8 में से 4 गए तो 4 ही तो बचे। अब हमारी कौन सी सेल आएगी, सबसे 2p वाली, तो इसमें कितने होते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो कितने होते हैं 6, लेकिन हमें 6 की नीड नहीं है तो इसीलिए हमने 4 ले ली, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, 8। अब इधर देखो, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस में एक ऑर्बिटल होता है ना, यहाँ एस में यहाँ भी एक ही ऑर्बिटल होगा। पी में कितने होते हैं, 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसमें, कैसे, हुंड्स रूल से, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमने क्लॉकवाइज ले लिया और एक एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसे तो भरना था, सीखा था हमने, इसमें भी ऐसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आ गए हम इस पर, तो हम कैसे भरेंगे, ये 4 भरने हैं, तो 1 पहले इसमें, 2 3, पहले हम ऐसे फिल करेंगे, ठीक है बच्चा। ऐसे नहीं करेंगे हम फिल, जैसे हमने ये ले लिए कि हमारे तो 4 हो गए कंप्लीट, ऐसे नहीं, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हम कैसे भरेंगे, 1 2 3 तो हो गए, लेकिन 4 वाला फिर फिल करेंगे यहाँ, ठीक है, क्लियर ना, ही हम ऐसे भरेंगे 1 2 3, ठीक है। कभी हमने ये ऐसे भर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, ऐसे भी नहीं चलेंगे और ऐसे भी नहीं चलेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या मेथड बताया, यही, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, तो बच्चा अब यही चीज जो हमने समझी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यही चीज जो हमने समझी इसको हम डेफिनेशन के रूप में, ये चीज देखो डेफिनेशन के रूप में ये लिखी हुई है, इसे आप एक बार इसे भी देख लेते हैं, देखना क्या, ये जो चीज हमने समझी वही लिखी हुई है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है। ये सेम एनर्जी के होंगे तीनों, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये लेकिन ये सेम एनर्जी के हो जाएंगे, एक ही सब शैल के जो ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के होंगे, और अलग अलग सेल के ऑर्बिटल वो अलग अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। स्टार्ट वहन ईच ऑर्बिटल विल ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग इन अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यही तो है कि अगर हमारा जो ऑर्बिटल है वो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसे ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो फिर हम जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा है हमारा, तो उसकी जो हम पेयरिंग शुरू करेंगे वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन से करेंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखी थी, वही हमने समझी। तो एक एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, इसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले ऐसे ही तो होगा, ठीक है, फिर ठीक कितने हो गए, 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 10 ही तो हो गए, और हमने इसमें कितने फिल करने हैं, उसमें 17 फिल करने हैं, तो फिर क्या आएगा, 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12, तो अब क्या आ जाएगा, 3p5, तो कितने हो गए, 10 12 17 हो गए, ठीक है। अब इनके ऑर्बिटल्स बना लो हम, ये बन गया, इसमें ये बनेगा ऑर्बिटल, इसमें 2p में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3s में 1 बन जाएगा, और 3p में कितने बनेंगे, 3, ठीक है। अब हमें इस चीज़ में क्या करना है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इसमें 2 है, तो पहले हमें ऐसे ही तो भरना है, ऐसे ही तो भरेंगे ना, इसमें भर देंगे ऐसे ऐसे ही इसमें, ठीक है, 2 है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऐसे अपोजिट। अब बात आती है इसकी,
पी ऑर्बिटल की, तो इसमें पहले हम ऐसे भर देंगे 1, 2, 3। अब हमारे 3 और बचे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3 वाले हम कैसे भरेंगे? पहले हम पहले वाले में लेंगे अपोजिट में, ठीक है। फिर 4 हो गए, एक और क्लियर। अब इसमें इसमें तो हम कर ही लेंगे। अब बात करते हैं इसकी, इसमें कितने? 5, 5 है ना, तो कैसे भरेंगे? 1, 2, 3, 3 हो गए कंप्लीट, 4, 5, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दिया करो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो हम वापस समझाएंगे। ये नहीं कि हम मोबाइल लेके बैठे हैं, अपनी आँख फुड़ाई भी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, टाइम टाइम भी खोटी कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना उन चीज़ों का। वीडियो को आप देखो, एक बार देख के दोबारा देखो, आपको समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पेयर्ड में हो गए, ये कर लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चा, वो हमारे पेयर्ड में होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। हर कोई तो पेयर में नहीं होता, हर कोई तो, ये सिंगल भी लोग हैं धरती पे, ऐसे थोड़ी ना हर कोई मैरिड है या किस कोई ना कोई किसी के साथ है जोड़े में, सिंगल भी तो है। ये देखो हम पी ऑर्बिटल ही ले लेते हैं, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल लेते हैं हम। पी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी, ठीक है। अभी ये देखो, इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है बच्चा, और इसमें हम कर लेते हैं 6, ठीक है। तो इसमें 4 हमारे कैसे हो जाएंगे? पहले हम ऐसे ही तो करेंगे पेयरिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे ही तो होगा, ऐसे थोड़ी करेंगे हमें 4 करने हैं तो। ये नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, इससे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें पहले जो प्रत्येक ऑर्बिटल है, जो ईच ऑर्बिटल में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, तीनों को एक एक चीज़ दे देंगे बराबर मात्रा में। फिर हम जो चीज़ देंगे वो पहले पहले वाले ऑर्बिटल में या पहले वाले व्यक्ति को देंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो अब ये हो गए हमारे 4 कंप्लीट। अब इसमें 6 करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ऐसे तो करने हैं। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, ये तो इनके पास तो सबके पास जोड़ा है, ये तो पेयर में, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये बेचारा है, इसके पास भी है, ठीक है ना, ये अनपेयर्ड हो गए, क्या हो गए, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते, पेयर में नहीं होते, उनके क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, जिनके पास जोड़ा होता है उनको क्या बोलते हैं, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी। तो बच्चा ये जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होकर के क्या क्या करते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होकर के पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसा बिहेवियर शो करते हैं, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इन्हें क्या बोल देते हैं, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। इसी के अपोजिट जो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जिन इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जिन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, वो क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर जाते हैं, या क्या ये क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये तो अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, वो रिपेल कर जाते हैं। जब वो रिपेल कर जाते हैं तो वो कैसा कैसा बिहेवियर शो करते हैं, ये डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, डाई मैग्नेटिक, ठीक है।
तो अब ये पैरा मैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकलता है, तो एक बार उस चीज़ पे भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चा ये पैरा मैग्नेट और डाई मैग्नेटिक निकालने के लिए क्या दी गई, इनको निकालने के लिए भी एक यूनिट दी गई, उस यूनिट को किसने दिया, इनको निकालने के लिए क्या दी गई, एक यूनिट दी गई, और वो यूनिट किसने दी, वो यूनिट दी बोहर ने। तो बोहर ने जब वो यूनिट दी तो उस यूनिट को क्या नेम दिया गया, बोहर मैग्नाटोन यूनिट, बोहर मैग्नाटोन यूनिट बोला गया। ठीक है बच्चा, तो उसमें क्या है, तो बोहर, बी से बोहर, बी एम, बोहर मैग्नाटोन यूनिट इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। ये इससे क्या निकलते हैं हमारे, मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर जो हमने भी पढ़ा था। तो कैसे निकालेंगे, इसमें एन क्या है, एन है, एन हम लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, क्या हो गया, एन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैल्यू होगी, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पाँच होंगे, वो हम इसमें एन की जगह रख के हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एक बार ये फॉर्मूला नोट करो। तो बच्चा जो हमने पढ़ा था अभी डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेट, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, वो क्या थी, हुंड्स की रूल्स के एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ हुंड्स रूल। ठीक है, वो जो हमने अभी समझा था, एक सेकेंड आप इसे भी, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो, हुंड्स रूल इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स और आयंस। जो हुंड्स का रूल है वो हेल्पफुल है किस चीज़ में, एलिमेंट्स और या आयन के क्या मैग्नेटिक बिहेवियर को फाइंड करने में। ठीक है बच्चा, द एलिमेंट्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने अभी पढ़ा था ना इसके बारे में, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक इज नेचर, और कैसे होते हैं नेचर में पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं उनका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। सिमिलरली इसी प्रकार द एलिमेंट्स विच हैव ऑल पेयर्ड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं, जोड़े में होते हैं, आर रिपेल, क्या होते हैं, रिपेल कर दिए जाते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर दिए जाते हैं, और उनका नेचर कैसा होता है, डाई मैग्नेटिक, उनको क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, जो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इज मेजर्ड बाय ए यूनिट, अभी हमने पढ़ा था जो हमारा पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसे कैसे मेजर्ड होता है, यूनिट से, एक यूनिट से, वो यूनिट क्या है, मैग्नाटोन। ठीक है, तो ये यूनिट किसके द्वारा दी गई थी, बोहर ने दी थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नाटोन बी एम, एंड कैलकुलेटेड बाय, और कैलकुलेट कैसे होती है, ऐसे, वेयर एज एन इजकल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, क्या एक एग्जांपल लेंगे हम, फिर हम अच्छे से इसको समझ जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल से ही हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, क्योंकि साइंस में हमें रटना नहीं है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो तब ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे 28 Ni। ठीक है, अब क्या होगा, अब पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद
ये हमें इनका उनके जो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल में फिल करने होंगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग, जैसा हमने पढ़ा था। उसके बाद उन्हें हमें ऑर्बिटल में फिल करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये देखने के बाद फिर हम उनका क्या निकालेंगे, मैग्नेट्रॉन, क्या निकालेंगे, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, चलो हम अब काम पे लग जाते हैं। लगो आप भी करके देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर ही लेंगे हम, करो। ठीक है, इतना तो ऐसे ही होगा, 1s² 2s² 2p6, यहाँ आ जाएगा 3s2। ठीक है, 28 तक हमें इसमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2, यहाँ आ जाएगा हमारा 4s2। तो अब हमारा यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ हमारा आ जाएगा 3d10। देखो 10 to 12 6 18 2 20 26 27 26 25 26 27 28। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके क्या कर लेने हैं, ऑर्बिटल्स बना लेने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स। इसमें एस में कितने होते हैं, एक, तो एस एस वाले में हम क्या बना लेंगे, एक एक ऑर्बिटल बना लेंगे जहां हमको एस सबशेल दिख रही है। अब हम पी वाले देखते हैं, पी वाले में कितने होते हैं, तीन। ठीक है, ए एक यहाँ पी। डी वाले में कितने होते हैं, डी वाले में होते हैं 7। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। अब हमें इसमें क्या काम रह गया, अभी हमें इसमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो भी कैसे, हुंस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2 हैं तो ऐसे फिल हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट और अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, ये ऐसे, पहले 6 है ना, पहले ऐसे भरेंगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एक में फिल कर देंगे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, हो गए 6। अब ऐसे इसमें, इस वाले में तो हम इजीली सभी भर लेंगे, ऐसे वाले में। अब 3p6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो कैसे भरने हैं हमें, पहले क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब 3d 4s2 वाले की बात चलती है, अब किसकी आएगी बात, 3d दिख रहा है ना, 3d10 वाले की। तो पहले हम ऐसे भरेंगे ना, इसमें ऐसे फिल करेंगे, हो गया 7 हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम फिर वापस से फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में आ जाएंगे, 8 9 10। ठीक है, ये तो है, अरे नहीं यार गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी वाले में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, एफ में होते हैं 7, तो यहाँ 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। अब ठीक है, वो गलत हो गया था, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसमें भर लेंगे हम पहले ऐसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 हो गए, 10 नहीं है यहाँ, 8 है, 8। ये देखो, अब भरेंगे हम इसमें,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ एट इसलिए यहाँ गड़बड़ हो गई थी, यहाँ टेन कर दिया था मैंने, जबकि 28 है ना निकल में, 28 इलेक्ट्रॉन है ये फिल करने हैं, तो अगर मैं 10 कर देती तो यहाँ 30 हो जाते ना, यहाँ गड़बड़ हो गई। पर आपने तो सही किया होगा क्योंकि आप भी तो कर रहे होंगे ना अपनी कॉपी में लेके, तो आपने गड़बड़ नहीं किया होगा, मुझसे गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे होगा। अब क्या करेंगे हम, इसका बी एम निकालेंगे, क्या बोहर मैग्नेटोन। तो क्या होगा, जो ये n की वैल्यू है, पहले यहाँ देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो पेयर्ड में, ये भी पेयर्ड में, यहाँ भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है ना, यहाँ भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ है कितने, दो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, टू। तो ये किसकी वैल्यू है, n की। टू टू कहाँ रखा जाएगा, जहाँ n है इस फॉर्मूले में, हम क्या कर देंगे, टू रख देंगे। ठीक है, रख के देखते हैं, इक्वल टू रूट टू टू प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं रूट टू, यहाँ फोर आ गया। अब ये रूट फोर है ना, इसे बाहर निकालेंगे तो टू ही तो होगा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू रूट टू। ठीक है, अब क्या आएगा इसका, इसकी रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, यही तो होती है। अब इसकी इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, हाँ यही तो आएगा, ये या क्या निकल गया हमारा, बोहर का मैग्नेटोन। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसी रूल। ठीक है बच्चा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ ये हो गया था ना, ये ठीक कर लियो डी वाले में, हमें पता था, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी में फाइव ऑर्बिटल होते हैं और एफ में सेवन ऑर्बिटल होते हैं, तो और इनका जो कॉन्फिग्रेशन है वो भी हमें आना जरूरी है, उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हमारा ये होगा हुंस रूल। उससे पहले हमें ओह बॉय देखना पड़ेगा, तब ये हमारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, हम क्विक वाला रिवीजन जो हम करते हैं, मोटा मोटा वाला, इसमें हुंस वाले रूल में हमने आज क्या सीखा, हमने इसमें सीखा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना, कि इलेक्ट्रॉन की हम पेयरिंग कैसे करते हैं, अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो कैसे होते हैं, उनका भी एक तरीका होता है, उनका भी एक हिसाब होता है, जो एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, हमें पता ही है, तो उनमें हमें जो ऑर्बिटल्स फिल करने होते हैं कैसे करने होते हैं, यही तो सीखा आज हमने, है ना। जैसे इसमें ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करेंगे, मान लिया इसमें हमें सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पी ऑर्बिटल में, तो हम इसमें ऐसे फिल करेंगे, पहले एक एक फिल कर देंगे सब में, फिर एक एक बाद में ले लेंगे। ठीक है, ये तो सीखा था हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना, और फिर हमने सीखा था अब मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसके बारे में सीखा था। तो इसमें हमने क्या सीखा था, एक बोहर मैग्नेटोन, उसमें बस हमने एक फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये एक हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा था, या यूनिट जो कि बोहर ने दी थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटोन। आज के लिए बच्चा इतना ही, और आपके अब यूनिट फर्स्ट में बस दो चार टॉपिक ही रह रहे हैं, बाकी ये कम्प्लीट ही होने वाली है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे।